वेलकम टू डेल्टा एकेडमी, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का टॉपिक जो है वो पुनः हम लोगों ने रिवर्स से संबंधित लिया है, और जैसे पिछली क्लास में हम लोग चर्चा कर चुके हैं जो उत्तरी अमेरिका है, नॉर्दर्न अमेरिका, उससे संबंधित जो नदियां हैं उस पर चर्चा की थी, और आज हम उसी क्रम में जो है साउथ इंडिया, साउथ अमेरिका की जो नदियां हैं, जो मेन रिवर्स हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों पिछली बार भी बताया था मैपिंग से संबंधित जो क्वेश्चन है, टोटल ज्योग्राफी का लगभग 30% कवर किए जाते हैं, और उसमें से रिवर्स का जो है एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो हम वन बाय वन करके कॉन्टिनेंटल वाइज जो है, जो महाद्वीपीय के अनुसार है, उसके अनुसार हम नदियों को स्टडी करेंगे, और ऐसा करके हम याद रख इन्हें आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद हम अपनी इंडिया के बारे में बात कर सकते हैं, और अगर कोई आप प्रोविंशियल एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उससे संबंधित जो स्टेट होगा उसमें भी आप लोग तैयार कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, आज की जो मुख्य नदियां हैं वो अमेजन, ओरिनिको, मैगडेलना, पराना, उरुग्वे और सैन फ्रांसिस्को ली है, तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहली जो हमारी रिवर्स है वो अमेजन रिवर है। आप लोगों को पता होगा कि पृथ्वी का जो स्थल भाग है उस पर अगर जनजीवन आज जो भी फल फूल रहा है वो केवल नदियों के द्वारा है, क्योंकि इन नदियों के द्वारा ही जो पानी की सप्लाई है, जो वाटर सप्लाई है, वो संभव हो पाई है। और ताज़े पानी में जो है, जो सेलेसियल पार्ट्स पर रहने वाले एनिमल्स होते हैं, वो चाहे ह्यूमन हो या फिर दूसरे एनिमल्स, तो वो ताज़े पानी के सोर्स पर ही जिंदा रहते हैं, और इसमें नदियां जो हैं सबसे बड़ा या कहें कि एक एकमात्र स्रोत के रूप में वो दिखता है। और इसके बारे में अगर हम अमेजन के बारे में चर्चा करें तो अमेजन जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी है, और यहाँ सबसे बड़ी नदी कहने का मतलब यहाँ पर जल की जो धारण करने की क्षमता है, जो वाटर कैपेसिटी है, जो फ्लो वाटर कैपेसिटी है उसका, वो विश्व में सबसे बड़ी नदी है, और लंबाई के हिसाब से ये दूसरी सबसे लंबी नदी है। आफ्टर जो नाइल रिवर है जो अफ्रीका में मिलती है, उसकी लंबाई जो है सबसे अधिक है, और ये लगभग 6,500 किलोमीटर के आसपास लंबाई है इसकी। अब हम बात करेंगे विश्व में सबसे बड़ी नदी का, कहने का मतलब ये है कि जो अमेजन है वो ताज़े पानी का, जो विश्व में ताज़ा पानी है, फ्रेश वाटर है, उसकी जो उपलब्धता है उसका टोटल का 30%, टोटल वर्ल्ड में 30% इकलौती जो रिवर्स है वो अमेजन नदी फ्लो करती है, मतलब एक बहुत बड़ी मात्रा में इसके द्वारा जो है पानी का बहाव ले जाया जाता है। यह पेरू में जो एंडीज पर्वत है उससे निकलती है, और इसका जो मुख्य जो बहाव क्षेत्र है वो ब्राज़ील है, और इसके बाद ये अटलांटिक जो ओशियन है उसमें जाकर गिर जाती है। जो अमेजन नदी बेसिन है वो जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं, जो सदाबहार फॉरेस्ट हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, उससे ढके हुए हैं, और इनको जो लोकल नेम रखा गया है वो सेल्वास के रूप में हम जानते हैं। ईस्ट सेल्वास, कई बार आपसे पूछा भी जाता है कि जो सेल्वास के मैदान हैं या सेल्वास वनस्पतियां हैं वो कहां पर हैं। तो इस नदी बेसिन में अगर आप लोगों को पता हो तो जो रबर है आज बहुत इम्पोर्टेंट एक यौगिक है, और उसका कई जगह पर यूज़ होता है। तो रबर की जो खोज हुई थी वो सबसे पहली बार इसी नदी बेसिन में की गई थी, और इसमें लगभग 2,500 से 3,000 के आसपास की मछलियों की प्रजाति मिलती है। अगर हम इस पर बात करते हैं तो मानोस और बेलम जो इसके तट पर एक नगर हैं, और ये नगर जो हैं मानोस और बेलम, ये एक मुख्य बंदरगाह हैं जो इस नदी के तट पर मिलते हैं, और इसमें नौकायन किया जाता है। अगर नदी बेसिन में हम ग्यूकास की बात करते हैं, ग्यूकास जो हैं यहाँ पर पाई जाने वाली एक ट्राइब्स है, और ये एक जो स्थानांतरित कृषि होती है वो करती हैं। स्थानांतरित कृषि जो है, जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के नाम से जानी जाती है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कई बार एग्ज़ाम में आया भी है, आप लोगों को तैयार करना चाहिए। और इसमें क्या करते हैं, जो ट्राइबल्स लोग हैं वो
किसी एक क्षेत्र के जो प्लांट बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं उसको काट करके उसको खेती योग्य बनाते हैं और उसमें एक दो साल खेती करते हैं जब तक उसकी फर्टिलिटी, जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहती है। उसके बाद क्या करते हैं, वो जब फर्टिलिटी कम हो जाती है तो दूसरी जगह पर फिर उसी प्रकार की प्रक्रिया अपनाते हैं और पहले जो ज़मीन उसने तैयार की थी खेती के लिए उसे वो छोड़ देते हैं। और आज के समय में ये पर्यावरण दृष्टि से घातक सिद्ध हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे बड़े प्लांट्स जिनको पैदा होने में, या हम ये कहें कि फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया करने में जिसको 4-5 साल या 10 साल लग जाते हैं, वो पेड़ अचानक से ख़त्म हो जाए, तो इस प्रकार से जो है ग्लोबल वार्मिंग या और भी जो हैजार्ड्स हैं, इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स, वो डेवलप होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो जगह जगह पर जो ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है या स्थानांतरित कृषि है, इसको बैन किया गया है। और अमेजन नदी में जो है ड्यूकास नाम के जो ट्राइब्स हैं वो मिलते हैं जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते हैं। दोस्तों अगर हम इसमें बात करें तो अमेज़न की जो ट्राइब्यूटरीज हैं, आप लोग देख रहे होंगे इसमें चारों तरफ से जो इसकी रिवर्स हैं वो आ रही हैं, लेकिन इसमें एक रिवर्स का नाम यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो सबसे बड़ी सहायक नदी के रूप में है, उसका नाम मडीरा है। जो मैं आपको मैप के हिसाब से देखूं तो आप ये देख सकते हैं, ये वाला जो रिवर्स है ये मडीरा रिवर्स है और ये पोरुस के पास में मिलती है। आप लोग इसे याद कर सकते हैं, ये पोरुस रिवर है, ये मडीरा रिवर्स है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, अमेज़न से संबंधित काफ़ी सारी जानकारी आप लोगों ने जुटा ली होगी। आगे देखते हैं ओरिनोको रिवर। तो ओरिनोको जो रिवर्स है वो स्पेशली वेनेजुएला में बहती है, और ओरिनोको में एक तरीके का जो लानोस घास के मैदान हैं वो हैं, और एंजिल प्रपात है इसमें। तो इस प्रकार के इसमें काफ़ी सारी विशेषताएं हैं, तो हम बात करेंगे। ये जो ग्याना है, ग्याना का जो हाईलैंड्स है ये वहाँ से निकलती है। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो ये एरिया है ये ग्याना हाईलैंड्स के रूप में जाना जाता है, और इस ये जो हमारी रिवर्स है वो इस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिल रही है। और इन्हीं को मैं लाइन करता हूँ, ये वाला जो क्षेत्र है, एक मिनट, इससे आगे जो ओरिनोको है आप अपने आप से देखेंगे, जो ओरिनोको वेनेजुएला में फ़्लो कर रही है, तो ये वाली जो रिवर्स है ओरिनोको है, और ये ग्याना हाईलैंड से निकलती है, अटलांटिक ओशियन में गिर जाती है, और वेनेजुएला की एक इम्पोर्टेंट रिवर्स है। यह अपने मुहाने पर एक विशाल डेल्टा बनाती है, और इस नदी का जो बेसिन है वो जो सवाना प्रकार के घास हैं उस प्रकार की घास पाई जाती है, जिसको हम लानोज के नाम से जानते हैं। नॉर्थ अमेरिका में जो है प्रेरीज के नाम से घास के मैदान मिलते हैं, जो गेहूं की खेती के लिए प्रयोग किए जाते हैं, और यहाँ पर लानोस घास के मैदान मिलते हैं जो विश्व में प्रसिद्ध हैं। दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा जो फॉल्स है, वाटरफॉल्स है, जिसे हम जलप्रपात या फिर झरना कहते हैं, वो एंजिल प्रपात है, और इसकी जो सहायक नदी है वो करोनी है। एक ओरिनोको की जो सहायक नदी है वो करोनी नदी है, और ये उसी पर स्थित एंजिल प्रपात मिलता है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, आप इसे अच्छे से तैयार करेंगे। अगली रिवर्स के पास चलते हैं हम लोग। अगली रिवर्स जो ली है हमने वो ओरिनोको नदी है। ओरिनोको हो गया हमारा। अब हम चलते हैं मैगडेलना नदी के पास में। तो मैगडेलना जो रिवर्स है हमारी, ये एंडीज से निकलती है और कोलंबिया राज्य में बहती है, कोलंबिया जो देश है उसमें। और इसमें एक सिटी है बारानक्यूला, ये उसके साथ जो कैरेबियन सागर है ये उसके तट पर है, और कैरेबियन सागर में जाकर ये गिर जाती है इस वाले शहर से होती हुई बारानक्यूला से। ये एंडीज पर्वत के जो दो पर्वत श्रेणी हैं, जिसको हम कार्डिलेरा ओरिएंटल और कार्डिलेरा ऑक्सीडेंटल कहते हैं, उसके बीच में जो भ्रंश पैदा हुआ है, जो फॉल्ट बना है, ये उसी से होकर बहती है। और इस नदी में जो कैरेबियन तट है वो एक तरीके से लो लैंड्स भूमि है, और लो लैंड्स भूमि वहाँ पर बनती है जहाँ पर किसी समय पर जो है
दलदली क्षेत्र रहे होंगे और वो नीचे बैठ गए हैं किसी टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से। और ऐसे क्षेत्र जो हैं तेल भंडार के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आप लोग देखते होंगे कोलंबिया और वेनेजुएला का जो क्षेत्र है वो इन्हीं से संबंधित, नदियों से संबंधित है। इसके आसपास जो है निम्न भूमि के क्षेत्र मिलते हैं और ये जो हैं तेल भंडार के लिए एक जाने जाते हैं। तो दोस्तों कोलंबिया का जो तेल क्षेत्र है वो इसी नदी में मिलता है, मैगडेलना। अब हम आगे चलते हैं, अब पराना नदी की बात करते हैं। पराना नदी जो है ब्राज़ील के हाईलैंड्स में मिलती है, आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे पराना। अगर हम बात करते हैं पराना की, तो पराना यहाँ से चलती हुई ये ला प्लांटा में, जो रियो ला प्लांटा है ये एक बे है, इसमें जाकर ये गिर जाती है। तो दोस्तों ये पराना नदी है और पराना नदी ब्राज़ील का ये हाईलैंड्स है, यहाँ से निकलकर ये रियो डी प्लांटा में गिरती है और दक्षिण अमेरिका की एक महत्वपूर्ण नदी है। क्यों? क्योंकि जो पराग्वे और ब्राज़ील है ये उस देश के बीच की जो नेचुरल जो बाउंड्री है उसे बनाती है, और ब्राज़ील पराग्वे अर्जेंटीना से होकर बहती है। विश्व का जो सबसे बड़ा जलप्रपात है, जो हम ये कहेंगे आयतन के हिसाब से, ऊंचाई के हिसाब से एंजल फॉल्स था, और यहाँ पर अब हम बात करेंगे वॉल्यूम के हिसाब से कि जो ड्रेनेज कैपेसिटी है वाटरफॉल्स की, वो इगुआसो है। इगुआसो जो है वो पराना नदी पर ही मिलता है, इस नदी पर स्थित है। और पराना नदी पर एक बांध बनाया गया है जिसे हम इन टापू बांध कहते हैं, और ये दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा बांध है, सबसे बड़ा डैम है। तो पराना नदी भी इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर्स है, आप लोग इसे अच्छे से तैयार करें। अब हम बात करेंगे उरुग्वे रिवर की। तो उरुग्वे रिवर भी जो है वो ब्राज़ील हाईलैंड से निकलती है और ला प्लांटा में ही गिरती है। यह अपने मुहाने पर एस्चुरी बनाती है, अर्जेंटीना और उरुग्वे के मध्य जो है ये एक प्राकृतिक सीमा बनाती है। तो आप लोग अपने उसमें देख रहे होंगे उरुग्वे रिवर, उरुग्वे कंट्री के नाम से जानी जाती है। अब हम इसके बारे में, रियो डी प्लांटा में इसका जो फॉल्स का मुंह है वो भी यहाँ पर है। अगली रिवर्स की बात चलते हैं, सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को जो रिवर है वो ब्राज़ीलियन हाईलैंड से निकलती है ये भी, और अटलांटिक महासागर में गिरती है, और ये काफ़ी लंबी, लगभग 3000 किलोमीटर के आसपास है। इसमें जगह जगह पर जो हैं इस प्रकार की परिस्थितियाँ बनी हैं जिससे जल विद्युत उत्पादन जो है, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर्स होती है, उसका प्रयोग किया जा सके। और ब्राज़ील में इसको जो है एक तरीके से राष्ट्रीय एकता के रूप में जाना जाता है, अर्थात इसका जो निकनेम है वो ब्राज़ील में वो राष्ट्रीय एकता नदी के रूप में ये जानी जाती है। और आप लोग यहाँ पर इसमें मैप में देख सकते हैं, ये सैन फ्रांसिस्को जो रिवर्स है वो यहाँ पर है। ये जो अफ्रीका की सारी रिवर्स हैं आप उसको भी हाईलाइट कर सकते हैं, यहाँ पर लगभग सभी नदियाँ जो हैं देखने को मिल रही होंगी आप लोगों को। तो बाकी जो बची हुई नदियाँ हैं वो आप अपने आप से तैयार कर लें। मेरे हिसाब से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रिवर्स थी वो यही हैं, और इन्हीं में से कई बार पूछा जाता है। तो आप लोग यहाँ पर करोनी नदी को याद रखेंगे, जो एंजल प्रपात जिस पर स्थित है, और साथ ही साथ जो इगुआसो जलप्रपात है जिसे वाटरफॉल्स कहते हैं वो पराना नदी पर है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। अगली क्लास में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।